बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रात्रि 9 बजे तक एनडीए 123, आरजेडी गम महागठबंधन को 113 और अन्य 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी नेताओं ने चुनाव आयोग और नीतीश प्रशासन पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगाया है। 3.66 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हुई है। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, एनडीए 123 पर 122 सरकार बनाने के लिए चाहिए, जबकि आरजेडी कभी 114 छूती है, कभी पीछे आ जाती है, आरजेडी प्लस 113 पर। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये आरजेडी के नेता मनोज झाने अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर अपनी बातें कही है। 10 सीटों पर गिनती में प्रशासन कर रहा है देरी, कई सीटों पर हमारी दोबारा गिनती की मांग, यानी कि आरजेडी की ओर से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोबारा गिनती काउंटिंग की मांग की गई है। किस तरह के आरोप आरजेडी के नेता मनोज झा की ओर से लगाए गए हैं, नीतीश सरकार पर किस तरह से आरोप मढ़े हैं, सुनिए। स्थिति साफ है, आप देखेंगे कि आंकड़े को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन ये खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है, भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। चुनाव संविधान के दायरे में चलता है, अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं, 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए।